आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। इस वीडियो में आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट का हम फ्लोचार्ट कैसे बनाते हैं, और एक सिंपल सा प्रोग्राम हम आपको बना के समझाएंगे कि स्विच स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ हम अपने प्रोग्राम में तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं और उन मल्टीपल चॉइस में हमें कोई सिंगल चॉइस को एग्जीक्यूट कराना हो, यानी हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, मोर देन वन ऑप्शन है, लेकिन उन मोर देन वन ऑप्शन में हम चाहते हैं कि जो ऑप्शन को हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं सिर्फ वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, बाकी इग्नोर हो जाए, तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस। स्विच स्टेटमेंट में बहुत सारे केस होते हैं जो कि यूज़र चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि स्विच स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन में हमें कोई एक ऑप्शन को पिक करना है और अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये था स्विच स्टेटमेंट का डेफिनेशन। स्विच स्टेटमेंट में याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि इच स्विच केस मस्ट इंक्लूड द ब्रेक कीवर्ड। स्विच केस में, स्विच स्टेटमेंट में जितने भी केस होते हैं उनमें ब्रेक कीवर्ड इंक्लूड होता है। इसी ब्रेक कीवर्ड से हमारा जो केस होता है वो टर्मिनेट होता है, सेकेंड केस एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट वाला केस टर्मिनेट होने के बाद। तो ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ करना चाहिए। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो कैसे बनाया जाता है, किस सिंटैक्स को फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए सिंटैक्स जानते हैं। तो सिंटैक्स सिंपल है स्विच स्टेटमेंट का। आपको स्विच कीवर्ड लिखना है, ये एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। इसके अंदर क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन होगा, यानी जो कंडीशन हम देंगे यहीं पे होगा हमारा कंडीशन, तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये एक्सप्रेशन हम टू वे में दे सकते हैं, या तो इंटीजर या फिर कैर, दो ही तरह के वैल्यू को ये एक्सेप्ट करता है, या तो इंट टाइप का वैल्यू या फिर कैरेक्टर टाइप का, जो हम चॉइस इनपुट करते हैं यूज़र से इनपुट कराने के बाद उसे। उसके बाद क्या होगा, स्विच की बॉडी होगी। स्विच की बॉडी में बहुत सारे केसेस होंगे। तो केस वन होगा सबसे पहले, केस वन हर केस कॉलन होगा एंड में, केस वन लिखना है, उसके बाद कॉलन सी ओ एल ओ एन, ये कॉलन होता है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा केस वन का स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट वन के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इच स्विच केस मस्ट इंक्लूड ब्रेक कीवर्ड। जितने भी स्विच केस में केस होते हैं वो ब्रेक कीवर्ड से जुड़े होते हैं। उसके बाद हमारा केस टू इसी तरह से चलेगा, केस टू एंड होगा कॉलन से, उसके बाद स्टेटमेंट टू होगा, केस टू का स्टेटमेंट टू। इसी तरह ब्रेक कीवर्ड से हम अपने केस टू को टर्मिनेट करेंगे। तो ऐसे ही केस वन केस टू के जैसे एन नंबर ऑफ केसेस होंगे स्विच केस में। तो अब लास्ट में हम लिख देते हैं केस एन। यहाँ पे बहुत सारे केस हो सकते हैं, यूज़र जितने केस चाहे वो अपने प्रोग्राम में ले सकता है और अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट एन और ब्रेक हुआ। तो अब लास्ट केस क्या होता है स्विच में, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट केस तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम केस वन से लेके केस एन के बीच कोई भी केस को एंटर ना करें, यानी अगर हम चाहते हैं कि हम कोई भी केस एग्जीक्यूट ना हो और हम रॉन्ग इनपुट कर दें प्रोग्राम में, तब ये डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर हमारे पास केस टू है, हम नहीं चाहते हैं कि केस टू एग्जीक्यूट हो, केस वन एग्जीक्यूट ना हो, केस वन भी एग्जीक्यूट ना हो, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट वाला केस में जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा। इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा ये स्टेटमेंट चलेगा। ये एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे वन लिखेंगे तो केस वन एग्जीक्यूट होगा, अगर हम टू लिखेंगे तो केस टू एग्जीक्यूट होगा, अगर हम एन लिखते हैं तो केस एन एग्जीक्यूट होगा,
अगर हम इन तीनों को छोड़ के कुछ और लिख देते हैं तब ये डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा और हमें इसका स्टेटमेंट प्रिंट में मिलेगा। तो ये भी ब्रेक से टर्मिनेट होगा और स्विच की बॉडी क्लोज। तो ये था स्विच केस का सिंपल सा सिंटैक्स। अब इसी सिंटैक्स का क्या फ्लो चार्ट होता है, चलिए फ्लो चार्ट बना के दिखाते हैं। सिंटैक्स के जैसे ही फ्लो चार्ट भी एकदम सिंपल होता है स्विच स्टेटमेंट का। फ्लो चार्ट में आपको बेटर समझ में आएगा कि सिंटैक्स जो है वो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे कि डेटा कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट होगा। स्टार्ट पॉइंट होने के बाद क्या होगा, हमारा जो स्विच का एक्सप्रेशन है जहाँ पे हम स्विच में कंडीशन डालेंगे वो वाला पार्ट आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम स्विच में एक्चुअली क्या करते हैं, जो भी हमारा कंडीशन होता है हम उसे यहाँ पे इनपुट देते हैं, पास करते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो जब हम अपने एक्सप्रेशन को या कंडीशन को यहाँ पे पास करते हैं तो इस वाले पार्ट के बाद क्या होगा, स्विच की बॉडी होगी। तो फ्लो चार्ट में डायरेक्ट हम एरो से केस वन को दिखाएंगे। केस वन होगा यहाँ पे हमारा, अगर केस वन ट्रू होता है तभी ये हमारा, इसे हम डायमंड सिंबल से दिखाते हैं हम इसे, जहाँ पे हम अपने केस को लिखते हैं। तो अगर हमारा केस वन ट्रू होगा तो हमारा केस वन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ट्रू के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखा होगा हमारा, वो एग्जीक्यूट होगा जो स्टेटमेंट वन है, और इसी के साथ ब्रेक होगा। अगर ये स्टेटमेंट चलता है तो ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं चलता है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। और स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा, केस टू में जाएगा, केस टू को भी ये चेक करेगा। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन दे देते हैं, अगर हमारा केस वन एग्जीक्यूट नहीं होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट रहेगा लास्ट में, वो बाद में हम लिखेंगे। तो अब हम केस टू बनाएंगे। केस टू के लिए हम क्या करेंगे, सेम डायमंड सिंबल का यूज़ करेंगे। ये डायमंड सिंबल कंडीशन स्टेटमेंट के लिए होता है, जहाँ पे हम अपने कंडीशन को चेक करते हैं कि किस कंडीशन को एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो केस टू अगर ट्रू होता है तो इसके लिए भी स्टेटमेंट लिखा होगा, स्टेटमेंट टू जो केस टू का स्टेटमेंट होगा, और एक ब्रेक कीवर्ड जो केस को टर्मिनेट करेगा। अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद केस टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यही केस फॉल्स होता है तो क्या होगा, केस टू भी अगर हमारा फॉल्स हो जाता है तो केस एन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ केसेस होंगे स्विच केस में। तो अब डायरेक्ट हम केस एन को लिखते हैं, इसे भी हम डायमंड सिंबल से लिखेंगे जो कि कंडीशन को दिखाता है कि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए भी स्टेटमेंट एन लिखा होगा, जो भी इसका स्टेटमेंट होगा अगर ये ट्रू होता है तो ट्रू होने पे इसका स्टेटमेंट चलेगा। उसके बाद स्टेटमेंट चलने के बाद स्टेटमेंट क्या होगा, ब्रेक होगा, टर्मिनेट होगा। स्विच की बॉडी से हमें बाहर भी जाना होता है इसीलिए हम ब्रेक लिखते हैं। तो लास्ट में अगर हमारा कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तब क्या होगा, ना केस वन ना केस टू ना ही केस एन, सारे केसेस अगर फॉल्स हो जाते हैं तो क्या होगा, तब डिफ़ॉल्ट केस चलेगा जो स्विच केस में ऑप्शनल होता है। ये डिफ़ॉल्ट वाला केस स्विच स्टेटमेंट में ऑप्शनल होता है, जब कोई केस नहीं चलता तब ये चलेगा, इसे हम नहीं भी लिख सकते तभी भी हमारा काम हो जाता है। तो डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे, ये इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया होगा, इसका स्टेटमेंट डायरेक्ट चलेगा, इसमें कोई ट्रू फॉल्स का नहीं होगा। जब सारे केसेस फॉल्स होंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट होगा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ये चलेगा, और लास्ट में चलने के बाद क्या होगा, हमारा स्विच का जो स्टेटमेंट है जो बॉडी है वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट लगाएंगे, एंडिंग पॉइंट, कि हमारा सारा कंडीशन चेक हो चुका है, अब हमारा प्रोग्राम क्लोज हुआ। तो यहाँ पे शुरू से आपको बताते हैं कि फ्लो चार्ट में किस सिंबल का क्या काम है। सबसे पहले स्टार्ट स्टॉप के लिए हम सर्कल का यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोसेस, जहाँ पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर आउटपुट के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्रोसेस चेक करना हो प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद जब हमें कंडीशन चेक करना हो तब हम डायमंड का यूज़ करते हैं, डायमंड सिंबल। और जहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होता है उसमें हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा केस वन ट्रू होगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट स्क्वायर वाला जो बॉक्स है वो स्टेटमेंट को दिखा रहा है। इसी तरह जो केसेस होंगे वो डायमंड सिंबल में होते जाएंगे।
और अगर हमारा केस वन एग्जीक्यूट नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो ये केस टू में जाएगा। तो इसके लिए एरो होता है, एरो सिंबल से ये केस टू में जाएगा, और केस टू में भी ये डायमंड सिंबल होगा। एरो सिंबल क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को दिखाता है कंट्रोल, कि फ्लो का जो कंट्रोल है वो ये किस तरफ जा रहा, केस वन से केस टू की तरफ जा रहा, ये हम एरो के थ्रू दिखाते हैं। उसके बाद केस टू में भी डायमंड का सिंबल होगा जो कंडीशन को दिखाता है। केस टू भी फॉल्स होता है तो ये एरो का सिंबल फिर से एग्जीक्यूट होगा। ये एरो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि अब हमें केस एन की तरफ जाना है, कि हमारा फ्लो का कंट्रोल किधर है। अगर केस एन भी नहीं चलता है तब ये एरो का सिंबल डिफ़ॉल्ट वाले केस में जाएगा और डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा स्विच का जो बॉडी है वो क्लोज हो जाएगा, यानी स्विच केस का एंडिंग हो जाएगा। तो ये था स्विच केस के बारे में कि स्विच केस क्या होता है, कहाँ यूज़ करना चाहिए, स्विच केस का सिंटैक्स क्या होता है, फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है स्विच केस इंटरनली, हमने आपको ग्राफिकली करके बताया इसमें स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आने वाले वीडियो में हम स्विच केस का एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के आपको समझाएंगे कैलकुलेटर का, कि कैसे बनाया जाता है।